शिवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम समाधि की चर्चा कर रहे हैं, अष्टांग योग का जो अंतिम अंग है, और योगी के लिए बहुत सारी बातें बताई कि योगी का जीवन कैसा होता है। वह मान अपमान, निंदा स्तुति, शीत या उष्ण, सुख दुख, इन सब को सहन करता हुआ इनसे ऊपर उठ जाता है, और वही व्यक्ति योगस्थ होकर के अपने जीवन को सदगति तक पहुंचाता है। इससे भिन्न, इससे विपरीत जो आचरण करने वाले हैं वो या तो योगस्थ होकर के कर्म नहीं करते हैं, अथवा अभी योग के लिए वो प्रवृत्त हो रहे हैं, योग उनको अभी सिद्ध नहीं हो पाया, उनका योग अभी सफल नहीं हो पाया है, समाधि की वो प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है, जो योगी व्यक्ति होता है, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका एक एक जो है कार्य, वो बहुत उत्तम होता है, महान होता है, अनुकरणीय होता है उसका प्रत्येक कार्य। उसमें ऊर्जा का संचार होता है, उत्साह का अक्षय भंडार होता है, वो स्वयं ऊर्जा से भरपूर होता है और निराशा हताशा से दूर होता है, और दूसरों को भी वो उत्साह से अपने जो है सदकर्मों से प्रेरित करता है। एक योगी का एक प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित हो गई है, स्थित प्रज जो हो गया है, उसकी यह पहचान है, उसके ये गुण कर्म स्वभाव होते हैं। और आगे इसी बात को कहा, क्योंकि हमने श्लोक पढ़ा था, ना विजानाति शीतोष्णम ना दुखम ना सुखम तथा ना मानम ना अपमानम च योगी युक्तः समाधिना। अर्थात समाधि में स्थित योगी शीत उष्ण दुख सुख मान तथा अपमान का अनुभव नहीं करते हैं। और अगली बात इसी में कही, ना गंधम ना रसम रूपम, ना गंधम ना रसम रूपम ना स्पर्शम ना च निस्वनम आत्मानम ना परम वेत्ति योगी युक्ता समाधि। समाधि में स्थित योगी जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द तथा अपने और पराये को भी नहीं जानता है, अर्थात कहने का आशय यह है कि वह इससे ऊपर उठ जाता है, इसके प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं होता है। जो बाहरी चीजें हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, थोड़ी सी सुगंध, थोड़ी सी दुर्गंध, यदि हमको यदि अनुभव होती है, सुगंध यदि मिली तो अनुकूल हो गई और हम उसी में खिंच जाते हैं, उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षण उसका होता है, और थोड़ी सी दुर्गंध आई तो उसमें परेशान हो गए, और जो रस है रस में भी अच्छा स्वाद मिला तो खाते गए खाते गए, और जरा सा भी यदि रस में थोड़ी सी भी यदि त्रुटि हुई तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता, उसको अपमानित कर देते हैं, थाली को ऐसे बाहर फेंक देते हैं, क्या बना के रख दिया, क्या दे दिया, हम इसको जो है सहन नहीं कर पाते। लेकिन वास्तव में जो व्यवहारिक है, जो सादगी से युक्त है, जो योग युक्त है, उनको ये सारी बातें बहुत गंभीरता से वो सहन करते हैं। इसका तात्पर्य कदापि उल्टा नहीं लेना चाहिए कि उनको ज्ञान ही नहीं होता इस बात का,
ज्ञान होता है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में विवल नहीं होते, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते हैं, उनको सहने का स्वभाव हो जाता है, वो सहनशील हो जाते हैं। योग युक्त होने का ये बहुत बड़ा लाभ है। आज छोटी छोटी बातों में जिनको नहीं सोचना, जिन पर विचार नहीं करना है, शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, या आहार विचार व्यवहार के रूप में, हम जब योग को नहीं आत्मसात करेंगे या नहीं करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। आज ही एक माँ अपने बेटे को लेकर के आई, स्वामी जी ये आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है और ये बड़ा तनाव में रहता है, बहुत उसके माता पिता संस्कारित हैं, और क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ये बनूं, लेकिन वो कोशिश करता है और उसमें उसको हताशा निराशा आ जाती है, असफल होने का डर है। मैंने पूछा आपकी आयु क्या है, बोले 21 वर्ष अभी है। 21 वर्ष की आयु में उसने ऐसी स्थिति अपनी बना ली कि उसके माता पिता और सगे संबंधी परेशान। क्यों? क्योंकि उसका उठना बैठना सोना जागना बात करना सब अस्त व्यस्त हो गया। एक टारगेट को लेकर के, एक एम को लेकर के, एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि सात्विकता नहीं है, यदि योग नहीं है, यदि हम समाधान में नहीं जीते हैं, तो हमारे जीवन में भी कष्ट आता है और हम दूसरों को भी कष्ट देते हैं। योगी होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम समाधान में रहते हैं। योगस्थ, इसीलिए का योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्य समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ होकर के सारे कार्य करो, समाधिस्थ होकर के सारे कार्य करो, समाधान में रह करके सारे कार्य हम करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और जो कुछ भी बाधाएं आए उनको सहन करें, जो भी कर्तव्य आए उनका वहन करें, तो निस्संदेह हमारा जीवन योग में होता है। वो समाधि जिसकी विशेष चर्चा यहां पर है, वो कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, इसके विषय में भी बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि समाधि तो चाहते हैं, उसका योग का पालन भी किया, लेकिन समाधि नहीं मिली तो बीच में छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस बेटे को मेरे पास लाए और बोले, स्वामी जी इनको कुछ बताइए। क्या बताया जाए, उसको सब जानकारी है, लेकिन व्यक्ति जब जीना चाहे तो उसके लिए रास्ते हैं। रास्ते उसी के वास्ते हैं जो उन पर चलना चाहता है। सृष्टि अपनी दृष्टि से देखती है कि आप क्या हैं, और वैसे ही वह आलंबन आपके सामने उपस्थित कर देती है। नहीं, बात समझ में आई? जैसे हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, हमने ये विचार किया हमको ये भोग चाहिए, तो ये सृष्टि का नियम है कि वैसा ही आपको मिल जाएगा। इस बात को हमने बहुत अनुभव किया, आप भी यहां बैठे हुए हैं, आप स्वयं इस बात का अनुभव करें। चाहे शुभ हो या अशुभ हो, जैसी हमारी मनोदशा है, जैसा हमारा स्वभाव, जैसा हमारा व्यवहार है, वैसा ही हमको इस प्रकृति से मिलता है, और कुछ इसके सिवा मिलता नहीं। अटल सिद्धांत है ये। इसलिए जहां चाह है वहां पर राह है। सब कुछ यहां पर है, अमृत भी है, विष भी है। अपने जीवन को जीने के लिए हम बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, और लक्ष्य बना तो लिया, लेकिन जब उसके अनुकूल कर्म नहीं करेंगे तो कैसे उसकी सिद्धि हो सकती, नहीं हो सकती।
और फिर व्यक्ति परेशान होता है, हताश निराश होता है। आईएसपीसीएस बनना चाहते हैं लेकिन वैसा दिमाग भी चाहिए और वैसी कृति भी चाहिए, वैसी मति भी हो, वैसी कृति भी हो और वैसी स्मृति भी होनी चाहिए, वैसी प्रकृति भी होनी चाहिए। इन सारी चीजों को मिला करके फिर व्यक्ति यदि अच्छा कार्य करता है, अच्छी दिशा में जाता है तो उसको समाधान मिलता है और ये योगी सिद्ध करके दिखाता है। जो योगस्थ होकर के कर्म करता है, योगी होकर के, समाधिस्थ होकर के जो है अपने जीवन को जीता है, वह निसंदेह उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला हो जाता है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उस परमात्मा का, उस परम पिता परमेश्वर का, उस परा शक्ति का या उस परम शक्ति का आलंबन हम लेते हैं तो कभी पतित नहीं होते हैं। बिना आलंबन के कोई चलता नहीं। और समाधि में हम यही करते हैं, हमको इस जगत के आलंबन में कोई रुचि नहीं होती है। जैसा यहां श्लोक में कहा, ना गंधम ना रसम रूपम न स्पर्शम न च निस्वनम आत्मनम चा परम वेति योगी युक्ता समाधिना। वो सारे इन भोगों से, इन सारे विषयों से ऊपर उठ जाता है और वह अपना पराया कुछ नहीं जानता, उसके लिए सब एक है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा, ऐसी भावना किसकी होती है? जो तुच्छ सोच वाले होते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत शाम, जिनकी बुद्धि संकुचित है, जिनके विचार संकुचित हैं, उनके लिए मेरा तेरा होता है। और जो विशाल हृदय वाले होते हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, जो है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले हैं, उदार व्यवहार वाले हैं, उनके लिए सारा संसार ही एक परिवार है। तो वो अब परिवार में मेरा तेरा क्या है, मान अपमान क्या है, वो सारा परमात्मा के द्वारा ही सबको आच्छादित समझता है कि जो कुछ भी है ये तो सब मेरे मालिक का है, मैं और मेरा तो कुछ है ही नहीं। ऐसी भावना जब होगी तो व्यक्ति इन दुर्गुणों से ऊपर उठ जाता है। और आगे भी यही बात कही कि न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नीति बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुखम उपशांतस्य योगिनः। बहुत उत्तम बात कही है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक है, इसको लिख लीजिए। एक समाधिस्थ व्यक्ति का, एक योगी व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है? ना विक्षेपो ना चैकाग्र्यम, ना विक्षेपो ना चैकाग्र्यम। नीति बोधो न मूढ़ता नीति बोधो न मूढ़ता
ना सुखम ना चावा दुखम, ना सुखम ना चावा दुखम, उपशांतस्य योगिनः। योगिना उच्चारण करेंगे, ना विक्षेपो न चैकाग्र्यम, नीतिबोधो न मूढ़ता, ना सुखम न चावा दुःखम, उपशांतस्य योगिनः, ना विक्षेपो न चैकाग्र्यम, नीतिबोधो न मूढ़ता, न सुखम न च वा दुःखम, उपशांतस्य योगिनः। ध्यान देने योग्य बात है कि जो शांत योगी को न चित्त की चंचलता होती है, उद्विग्न मन नहीं होता है, ना विक्षेपो ना चैकाग्र्यम, जो योगी है, योगमय जिसका जीवन है, वो कभी भी चंचलता युक्त नहीं होता है, चंचलता से रहित होता है, चित्त की चंचलता उसकी नहीं होती है, वह शांत और निर्भ्रांत होता है। पहाड़ जैसा भी दुख उसके सामने आ जाए, दुखों का पहाड़, समस्याओं का, मुसीबतों का पहाड़ भी यदि टूट जाता है, तो व्यक्ति जो है अटल होकर के, अचल होकर के, एक गति और मति भक्ति के साथ उसको रोकने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है, वो उससे पीछे नहीं हटता है, वो दुखी नहीं होता है। इसलिए कहा कि वह चंचलता से रहित होता है, चित्त की चंचलता नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं कि पूरा वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, बिल्कुल जो है प्रमाद में, आलस्य में चला जाए, अंदर से पूर्ण क्रियाशील होता है, बाहर से पूर्ण शांत और अंदर से पूर्ण क्रियाशील। दूसरी स्थिति में यह कहें कि बाहर से पूर्ण क्रियाशील, अंदर से पूर्ण शांत, कुछ क्रियाएं बाहर से करनी पड़ती हैं लेकिन अंदर से पूरा शांत, अंदर से पूरा शांत है, बाहर से पूरा क्रियाशील है, एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि बाहर से पूर्ण शांत और अंदर से पूर्ण क्रियाशील, हम बैठे हैं बिल्कुल समाधिस्थ होकर के, बाहर से क्या है बिल्कुल शांत है, अंदर से हमारी क्रियाशीलता किसके प्रति है, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति है, सद्गुणों सद्कर्मों के प्रति है, उस पर हमारा पूरा ध्यान है। हम ऐसा नहीं कि अंदर से बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय अवस्था में आने का मतलब क्या है, प्रमाद में आ गए या निद्रा में आ गए, तो वो स्थिति नहीं होगी, और ना अत्यंत जो है बोध और ना अत्यंत मूढ़ता होती, ना सुख और ना दुख होता है, ये समाधिस्थ
योगी, शांत योगी को जो है ऐसे लक्षणों से युक्त देखा जा सकता है। और आगे कहा, नात्मानम ना परम वेत्ति न शीतम नोष्णमेव च, समाधि युक्तो योगिंद्रो न सुखम न सुखेतरम। योग करने का एक ग्रंथ है तो उसमें कहा नात्मानम ना परम वेत्ति, ये जो योगी व्यक्ति है तो योगी व्यक्ति के जो है लक्षण में ये बात कही कि समाधि में लीन योगी न अपने को जो है जानता है, न दूसरों को जानता है, न शीत न उष्ण न सुख और दुख को ही जानता है। वो तो जिस आनंद में लीन है, जिस परम शक्ति की आनंद युक्त जो स्थिति है उसमें लीन हो जाता है, उस समय अपना बोध उसको नहीं होता है और न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसका कोई आकर्षण होता है। पूर्ण रूप से वह उस समय उसको शीत या जो है वर्षा या उष्णता का भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मन किसी विशेष प्रयोजन में लगा हुआ है। उसकी जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, वो भी किसी दिव्य शक्ति के सानिध्य में लगा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। और मुंडकोपनिषद में कहा निरंजनः परमं साम्यम उपैति, दोष रहित तथा आसक्ति रहित योगी परमात्मा के साथ साम्य को धारण कर लेता है। जैसे बात आई थी कि जैसे अग्नि में अग्नि को मिला दिया जाए, दूध में दूध को मिला दिया जाए, घृत में घृत को मिला दिया जाए, ऐसी साम्य अवस्था हो जाती है कि उनसे आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही समाधि की अवस्था में जो ध्यान करता है, जो समाधि युक्त व्यक्ति है, वह परमात्मा में अपने आप को ऐसा मिला देता है कि उससे वो भिन्न अपने आप को समझता नहीं है, एक लय हो जाता है, उसमें बिल्कुल मिल जाता है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। और मांडुक्य कारिका में इस बात को कहा कि निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वाधाकार एवच चलाचल निकेतयश्च यति यादृच्छको भवेत, कि योगी को स्तुति और नमस्कार से दूर रहना चाहिए। योगी को स्तुति और नमस्कार से दूर रहना चाहिए, स्वधा अर्थात अग्निहोत्र से भी दूर रहना चाहिए, घर बनाकर के स्वधाकार एवच, घर बनाकर रहे या घूमता रहे, योगी इच्छा अनुसार व्यवहार करे। अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का जो आकर्षण है ना, ये निंदा स्तुति में जल्दी लोग आकर्षित हो जाते हैं। यदि निंदा कर दी तो किसी के प्रति द्वेष आ जाता है, और किसी ने स्तुति कर दी तो उसके प्रति राग आ जाता है। इसलिए कहा कि योगी को स्तुति में और नमस्कार से दूर रहना चाहिए। महर्षि दयानंद भी कहीं लिखते हैं कि जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं तो उनको तो जो है किसी जो सम्मान है उसको भी इसके समान समझना चाहिए, और अपमान को अमृत के समान समझना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि हमारा जो अस्तित्व है इस संसार के आकर्षण से धीरे धीरे खंडित होता है, वो अलग हो जाता है, और संसार के जो व्यवहार है, थोड़ी देर में जो सुखी करने वाले हैं, थोड़ी देर में जो दुखी करने वाले हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। ये बड़ा कठिन काम है, सरल काम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इसको तो तुरंत करूंगा, नहीं कर सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। अपने स्वभाव का परिवर्तन करना समाधि से ही संभव हो सकता है। समाधि से युक्त व्यक्ति ही अपने स्वभाव का परिवर्तन कर सकता है, अर्थात योग से युक्त व्यक्ति ही अपने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन ला सकता है, बिना योग को किए। कोई विरले व्यक्ति या उसको पूर्व जन्म के योग का कोई संस्कार हो उसके जीवन में तो कर सकता है,
बाकी योग के बिना ये स्वभाव में परिवर्तन हो जाए ऐसा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ये जो है कष्ट साध्य कार्य है। इसी को आगे सांख्य परिभाषा में कहा, निरालंब पदम प्राप्य चित्ते तत्र लयम गते निर्वर्तन्ते क्रियाः सर्वाः सा योगी निर्गुणः परः। कि आलंबन रहित पद को प्राप्त करके चित्त जब उसमें लय को प्राप्त कर लेता है तो उसकी समस्त चेष्टाएं निवृत्त हो जाती हैं, ऐसा श्रेष्ठ योगी निर्गुण कहा जाता है। जैसा पीछे कहा कि उसको अपना और पराये का ध्यान नहीं रहता है, उसका ध्यान जब उस भगवान में लग जाता है तो सब शुद्ध बुद्ध वो खो देता है, भूल जाता है, और वहां पर उसको परम शांति का अनुभव होता है, परम सुख का अनुभव होता है। वही बात यहां कही कि वो आलंबन रहित हो जाता है। आरंभ में तो आलंबन की आवश्यकता पड़ती है, जब हमने पढ़ा कि धारणा कहीं पर लगानी पड़ती है, ध्यान कहीं लगाना पड़ता है, फिर ध्यान का जो परिणाम वही समाधि है, धारणा के बाद ध्यान है, धारणा ध्यान और समाधि। धारणा से हमने किसी चीज पर, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी देश में हमने ध्यान जो है धारणा लगाई, ध्यान केंद्रित किया, और उसका परिणाम क्या है? समाधि। और समाधि में फिर जिस पर हमने ध्यान लगाया था, जिस वस्तु पर, नासिका पर, आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, या कहीं भी लगाया, तो वो धीरे धीरे वो हट जाता है, आलंबन रहित हो जाना। वो सबका जो आलंबन है, उस एतद आलंबनम परम, जो सबसे ज्यादा आलंबन हमारा होना चाहिए वो उस ओम, उस परमात्मा, उस ईश्वर की भक्ति का जो रसास्वादन है वो सारे रसों को फीका कर देता है। रसो वैसा, उसका जब रस मिलने लगता है तो हमको अन्य किसी भी भौतिक रसों की स्मृति नहीं रहती है, भौतिक रसों में कोई जो हमारी रुचि नहीं रहती है, क्योंकि वो तो रसों का भी रस है। ऐसा वो आलंबन जो सारे संसार का आलंबन है, जब उसका आलंबन ले लेते हैं और अन्य निरालंब पद को प्राप्त कर लेते हैं तो चित्ते तत्र लयम गते, उस समय जो है चित्त जब उसमें लय को प्राप्त कर लेता है तो निर्वर्तन्ते क्रिया सर्वा, सारी क्रियाएं निवृत्त हो जाती हैं, चेष्टाएं निवृत्त हो जाती हैं, और ऐसा जो करने वाला है वह श्रेष्ठ योगी निर्गुण योगी कहलाता है। तो वह योगी निर्गुण कहा जाता है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर इसका जो है विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।